भाग 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 भाई भाग 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 तो गाइज हम निकल चुके हैं बिरबिलिंग के लिए और रास्ते में अभी मैं हमारी गाड़ी रुकी है, हम यहाँ पे अपना डिनर वगैरह करेंगे और यहाँ से फिर आगे चलते हैं। स्माइल स्माइल उसको उसको हमारे पे गाइस। तो बेर में हम पहुंच चुके हैं और देख सकते हो अभी हम यहाँ की तिब्बतन मार्केट में घूम रहे हैं। इसको ऊपर कर दिख नहीं रहे हम। हाँ तो मेरे इसमें लगाऊंगा कूदा मार दूंगा मैं। तो अभी हम अपने होटल की तलाश में ये यहाँ कोई होम स्टे या कुछ मनोज होम स्टे वगैरह मिल जाए। भाई फ्री भी है भाई। देख भाई तो गाइस पहुंच चुके हैं बेर में। हाँ भाई क्या कहें सबके पास ही मुँह दिखा देता हूँ। जोन में है ये लड़का। Hey guys, welcome back to our channel. और आप जैसे देख सकते हैं हम बिर में लैंड कर चुके हैं और अभी बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं भैया? अभी बज रहे हैं 9:54। और सीन ऐसा है कि आज अभी अभी हम पहुँचे हैं, मस्त एक हमको होम स्टे मिल चुका है, यहाँ पे रुकेंगे और आज के पूरा दिन थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर घूमेंगे। एंड द प्रॉपर्टी इज सो ब्यूटीफुल। तो बताओ कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है गाइस। और अच्छा 12 घंटे के सफर करने के बाद जो ये हमें 12 मिनट अपना खोजबीन करने के बाद जो हमें ये होम स्टे मिला है, लाइक रियली हम सिर्फ 12 मिनट बता भी सकते हैं। हमारा जो स्वागत हुआ है वो फूलों के चादरों से पहले तो हमारा स्वागत हो गया। उसके बाद हमें मतलब तीन तरह के हमें जूसेस पिलाए, गुलाब जल से पाउंड हुए। नहीं गाइस ये बट तो फैक्ट है कि हमने सिर्फ 10 या 12 मिनट की ही सर्च करी होगी और हमें इतना अच्छा ये आपको ये भी देगा और चिप्स और ये भी देगा। तो मैं आपको उसका बाहर का व्यू दिखा दी। दिस इज द ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी गाइस, लुक एट इट। एंड वो देखो आप द लिटिल शी क्यूटी पाई। हेलो हाय। यहाँ पे बिल्कुल घर जैसी फीलिंग आ रही है एंड जो यहाँ के ओनर है अंकल वो भी बहुत स्वीट है और पास भी मॉनेस्ट्री है। मॉनेस्ट्री भी है ये देखिए। एंड यहाँ पे जो हम स्टे कर रहे हैं वो तिब्बतन मार्केट में है तो बिल्कुल सब कुछ नियर बाय है। पास भी पैराग्लाइडिंग। लेट्स होप कि हमारा आगे का डे और अच्छा जाए। रेडी हो चुके हैं, अब हम जा रहे हैं बिर को एक्सप्लोर करने। तो ट्राई करेंगे कि मोनेस्ट्री पहले दिन में अपनी कवर करें। शिवलिंग क्या शिवलिंग? हाँ शिवलिंग मोनेस्ट्री है उसमें जाएंगे। पास में हमारी मोनेस्ट्री उसमें भी जाएंगे। जोन में तो कैसा लग रहा हूँ गाइस देख के बताओ। तो देखिए अभी भी हम यहीं पर ही हैं दोनों जन, अभी निकलेंगे और थोड़ा सा खाना ट्राई करेंगे यहाँ का ऑथेंटिक। हमने सुना है यहाँ के मटन मोमोज कर लिए है। किसी को नाम पता है इस मॉनेस्ट्री का? एक ही मॉनेस्ट्री का नाम पता है, वो है शिवलिंग भविष्य वर्तमान बद्री। ये है कोई बाकी इस मॉनेस्ट्री हमारे वाले स्टे जहाँ हम कर रहे हैं उसके बहुत पास था तो हम यहाँ पे आ गए हैं दिन में। बट क्योंकि दिन में यहाँ पे कुछ ज़्यादा खास क्राउड है नहीं और प्रेयर भी अभी हो नहीं रही है तो हम शाम को दोबारा आएंगे प्रेयर के लिए। तो मोनेस्ट्री को देखने के बाद हम लोग अपने घर चले गए क्योंकि हम काफ़ी थक चुके थे, सुबह भी ट्रैवल करके आए थे तो हमने सोचा घर जाते हैं, व्यू एंजॉय करते हैं, चाय वाय पीते हैं, बातें करते हैं और नेक्स्ट डे घूमते हैं। अगर आपको
जिसको इसकी और मेरी लव स्टोरी के बारे में जानना है तो प्लीज सब्सक्राइब करें तो हमारे पापा से मिले। जब तक ये 100K सब्सक्राइबर नहीं होते गाइस इस चैनल पे, तब तक हम इस बात का खुलासा नहीं करेंगे। Hey guys, तो रात के खाने के लिए हम यहाँ पे आ चुके हैं जो कि कैफे है, हिमालयन कैफे। अभी हमने जस्ट सुजू मंगाई है और हमारा खाना ऑर्डर किया है, देखते हैं खाने का टेस्ट कैसा है। तो हिमालयन कैफे में आके हमें बस ये एक चीज़ पता चली कि हम यहाँ के लास्ट कस्टमर है। हमारे इसके बाद हम ही ताला चाबी लगा के जाएंगे। तो गाइस खाना खा के रात का डिनर करके अपन लोग अपने घर की तरफ, अपने होटल की तरफ जो भी हमारा स्टे है उसकी तरफ जा रहे हैं। रात का टाइम देखो पूरी सुनसान हो रही है, सारी दुकानें बंद हो रखी हैं यहाँ। हेलो गाइस, डे टू की शुरुआत हो चुकी है। ब्रेकफास्ट करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं मछिया लेक, वहाँ थोड़ा सा और फ्रेश हो जाएंगे, ठीक है, वहाँ नहाएंगे पियेंगे, देखते हैं। वो टॉप में जाएंगे, पहाड़ों से पीछे जाएंगे आप लोग। अभी तो गाड़ी जा रही है, तो पैदल ट्रैक होता था वहाँ पे, तो गाड़ियाँ हो गई साल दो साल में। और बड़ी तो हमने भी बहुत यहाँ पे हिमाचल में कसौल, खीर गंगा, कसौल में अच्छा हो अपना मणिकरण वाला। पहुँच चुके हैं हम अपने यहाँ मछिया लेक में। मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। तो हमने दीपू का ये टेक ओवर कर लिया है और दीपू पता नहीं क्या कर रहा है, हम एंजॉय कर रहे हैं एंड वी आर एंजॉयिंग। मछिया लेक में मस्त नहा लिए गाइस, अब मछली बने मच्छी के साथ। तो गाइस अब हम निकल चुके हैं अपने डिनर के लिए और यहाँ पे सेलिब्रेशन के लिए हम कोई कैफे हंटिंग कर रहे हैं, कैफे एक्सप्लोर कर रहे हैं। लेट्स सी ये वाला कैफे कैसे होने वाला है। तो डे थ्री की शुरुआत हमारी होती है जिसके लिए हम फिर आए हैं, यानी कि हमारा पैराग्लाइडिंग एक्सपीरियंस। वैसे इवनिंग में सनसेट के टाइम पे ऊपर से बहुत अच्छा व्यू आता है, लेकिन बारिश की वजह से हमारा पॉसिबल हो नहीं पा रहा था। अभी हम फिलहाल बिरलिंग जा रहे हैं जो कि हमारा टेक ऑफ पॉइंट है, वहाँ से नीचे लैंड करेंगे जो कि बिर लैंडिंग ग्राउंड है। एक्साइटेड भी हैं, डरे हुए भी हैं, लेट्स सी। हाँ भाई कैसा रहा एक्सपीरियंस? सर एक्सपीरियंस मजा आया, बहुत बढ़िया। ये तो बम पे ही बैठ गए। हाँ भाई कैसा रहा एक्सपीरियंस? तो गाइस हमारी पैराग्लाइडिंग डन हो चुकी है। पहले तो हम सोच रहे थे सिर्फ 3 बंदे करेंगे, बट वहाँ पे जाके ये लोग ऐसे कन्विंस हुए कि एक ने तो कुछ ज़्यादा ही स्टंट वटंट भी कर दिए। तो लगभग सब ने ही हमने पैराग्लाइडिंग हमारी कर ली है,
मस्त एक्सपीरियंस रहा। बस लैंडिंग के बस थोड़ा सा वो घुमाते तो उस वक्त मुझे थोड़े से लग गया भाई चक्कर जैसा, बट ऊपर ऑल द मतलब जब भी हम ऊपर थे मस्त एकदम एक्सपीरियंस था, एकदम स्मूथ था, मज़ा आया, अच्छा लगा। तो हवा में उड़ने के बाद अब हम लोग ज़मीन पर आ चुके हैं। सुबह का नाश्ता करके नहा धो के हम लोग निकल चुके हैं बैजनाथ मंदिर दर्शन के लिए। आपको पता है आज मेरा जन्मदिन है और सोमवार भी है, तो इससे अच्छा दिन और क्या हो सकता है भगवान शिव के आशीर्वाद लेने के लिए। हर हर महादेव। तो हमारे बैजनाथ मंदिर के दर्शन हो चुके हैं, अब हम वापस जा रहे हैं। बहुत ही शुभ अवसर पे हम आ गए हैं, आज सोमवार का दिन है और मेरा बर्थडे भी है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। पीस, सोमवार को श्री जी के दर्शन हुए, इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। आड़ी बर्फी बनती? ये आम से बनाई है, आम से बनाई है, मैंगो वाली। तो गाइस ये हमने ले लिए पहाड़ी बर्फी, बर्फी ये अंकल ने दिया, बड़ी स्वीट है। चलो कल ट्राई कैसा है। ओहो मास्टर शेफ संजीव कपूर। बहुत ज्यादा ठंडी है। रियली कैसा है, कैसी है? हाय गाइस, तो अब हम यहाँ से बिरबिलिंग की हमारी जर्नी ख़त्म होती है, यहाँ से अब हम निकल रहे हैं अपने दिल्ली के लिए। मज़ा आया, ये 3 दिन बहुत मज़ेदार रहे, सही फन किया, मतलब बहुत हंसे, बहुत मज़े करे। और सबसे बढ़िया चीज़ जन्मदिन के दिन फ्लाइंग कर ली यार, और क्या चीज़ है। आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस जीजू? बस शिव जी जी के आशीर्वाद भी लिया, बहुत बढ़िया, और अच्छा खाया पिया, और फ्लाइंग की जो कि एक बहुत बड़ा टास्क था जो इनिशियली लग रहा था, पर इनिशियली हम 2-3 ही लोग थे जो जा रहे थे, बट फिर वहाँ जाके तो भाई सब ने ही हाथ मार लिया, मज़ा तो आया भाई। कुनाली भी हमें मिला पर हम उसका व्लॉग नहीं बना। कौन कुनाली? ये सौरव जोशी का भाई। अरे ठीक है, बस तब चलते हैं गाइस दिल्ली, पहुँच के आपको मिलते हैं, बाय बाय। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेकी सिब्लिंग चैनल को सब्सक्राइब करें।